हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज से सुबह उठते में ही मेरा वर्कआउट हो गया है, क्योंकि सुबह उठी और बाहर देखा तो पतझड़ का मौसम है। अभी इतने पत्ते इकट्ठे हो रखे हैं और बाहर जो भी क्यारियाँ है उसके अंदर सारे इकट्ठे हो गए थे, तो इतने ज़्यादा हो गए थे। फिर सारे सफाई की चुके चुके, फिर कमर भी दर्द होने आ गई, पर पूरा बाहर नीट एंड क्लीन हो गया है। अभी चिकू की गाड़ी एंटॉर्क है, वो वॉश करनी है। ऐसे मैंने पानी से तो बाहर नहीं धोया है, ओनली फॉर झाड़ू ही लगाया है। पर अगर चिकू गाड़ी धो देते हैं तो फिर धोऊंगी, क्योंकि फिर डबल डबल मेहनत नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी में भी मिट्टी निकलेगी ना तो सारी जम जाएगी अगर धो के रखूँगी तो। और अभी मैं मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब भागी है, मैं उठ के सीधा बाहर ही गई थी। बाहर गई तो सारा ऐसे ऐसे गंदा पड़ा हुआ था, मैंने कहा क्यों ना झाड़ू लगा दिया जाए। और इतना सारा कचरा, तब मैंने व्लॉग ही स्टार्ट नहीं किया था और हाथ भी गंदे थे, इसलिए अंदर आके कैमरा भी नहीं उठा सकती थी। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट तो मैंने प्रिपेयर कर दिया है, पराठे बनाए मम्मी पापा के लिए और चिकू हमारे लिए लेके आया है टोस्ट। तो मैंने दूध तो नहीं पिया था, पर कल दूध नहीं पीने की वजह से मुझे सिर दुख रहा था, पर अभी पानी पी लेती हूँ। सुबह से पानी भी नहीं पिया, अभी पानी वगैरह कंप्लीट पी लेती हूँ, लाइव वाटर पी लेंगे। लाइव वाटर, थोड़ी देर बाद और पानी। और यहाँ पे भिंडी कट कर रही हूँ, ये पैकेट कब खोला अभी? दो मिनट पहले इससे चीयर्स हुआ था, आधे घंटे पहले नहीं हुआ था। अभी मैं ये खा रही हूँ तो जरूर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं नहा कर हो रही हूँ अभी रेडी, और साथ ही साथ लंच आधा अधूरा प्रिपेयर हो गया है। और अभी टाइम हो रहा है 12 बज गई है, और आज खाने में बनाए हैं भिंडी और जूस मैंगो का। ये अभी आटा गूंथना अभी बाकी है, अभी आटा गूंथती हूँ और आटा गूंथ के फिर रोटी वगैरह कंप्लीट बना के और फिर चलेंगे शॉप पे। खाना बन चुका है और अभी हम खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। पापा तो खाना खा लिया है और रोटी नहीं से ही है। ये रही बपड़ी है। हाँ बपड़ी है ना इसको। तो ये हमारा खाना, जूस, भिंडी की सब्जी, रोटी और खीरा। कॉल लीला भाई, खाना हो गया है और मैं हो चुकी हूँ रेडी शॉप पे जाने के लिए। तो अब सॉक्स पहन लेती हूँ और शूज़ पहन के रवाना चिकू आगे लेने के लिए। पिंक शर्ट गया, दिख रहा है लाइटली है एकदम। शॉप पे आ गई हूँ और शॉप पे आने के बाद एक पार्सल रिसीव हुआ, जो कि है ये लहंगा। और लहंगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है, मेरी एक फ्रेंड है जो ऑनलाइन बिजनेस करती है उससे ही मैंने मंगवाया था। बहुत ही अच्छी प्राइस में बहुत ही अच्छा लहंगा आ गया है। और ये लहंगा भाभी का है, तो भाभी जब भी आएंगे तब भाभी को देना पड़ेगा। शॉप का जो एसी है वो काम नहीं कर रहा, सो चिकू से इसके जो फिल्टर्स है वो वॉश करवाने ही पड़ेंगे। इतने तक मैं पहुँच नहीं पाऊँगी, इसलिए बाकी ने तो मैं ही क्लीन कर देती। और कल पूरी सैलून की थी क्लीनिंग, तो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है नीट एंड क्लीन। और पानी पी लेती हूँ, आज भी थोड़ा टाइम है तो सैलून की चल रही है साफ़ सफाई। ये 3 रैक्स है वो क्लीन की, इधर की जो नीचे की रैक्स है वो क्लीन की, और सारा थोड़ा बहुत जो भी सामान अभी न्यू अपडेट किया था वो भी सारा जमाया, जो कि सैलून के ही केयर में यूज़ होने वाला है। और ये चिकन मंगवाई है बहुत छोटी सी बॉटल, शायद आपने व्लॉग में पहले देखी होगी। अब इस बॉटल का साइज़ लग रहा था हमको बड़ा, पर काफ़ी छोटा है, पर इसका स्प्रे बहुत शानदार है करने के लिए और पॉकेट में रखने के लिए भी सही है। सब कचरा ही कचरा निकला है, पूरा साफ़ सफाई कर करके इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर कचरा हो गया था। ये सारी मिट्टी डस्टिंग तो की, साथ ही साथ जो काम का नहीं है वो सब भी फेंक दिया। फालतू भीड़ करने से कोई मतलब नहीं है, और मेरे हिसाब से मैंने प्रॉपरली सारा जमा दिया, जो चीज़ जहाँ पे चाहिए और जब ज़रूरत होती है तब मिल भी जाए फटाक से। एनिवर्सरी पे जो बलून से सजाया गया था सैलून और शॉप करो,
तो अब सारे ये बलून से सलून वाले तो फूटे नहीं और थोड़े से स्क्वीज हो गए कुछ कुछ तो, बट अब ये इतने रह गए और सारा सफाई होगी तब कुछ मस्ती हो जाए क्यों ना। तो सारे मैं फोड़ रही हूँ, अरे यार फूटे नहीं, पर फूटे नहीं रहे, तुम ट्राई करो लो, तुम ट्राई करो लो। एसी ठंडा क्यों नहीं कर रहा है, कल से पता लगा रहे थे, जो कि पता भी था फिल्टर खराब हो गए और फिल्टर्स की हालत देख सकते हो आप। ओ वाओ व्हाट अ कलर, पर देखो ये डस्ट नहीं जो उड़ेगी सारी, ये ढक्कन को यार एकदम साफ कर देते। उनकी सफाई करने के बाद जो बलून थे वो सारे फोड़े और आपने देखा ही होगा कितना मज़ा आ रहा था, पर उनमें से क्या हवा थोड़ी थोड़ी निकल रही थी इसलिए अच्छा अच्छे से नहीं फूट रहे। और ये जो भाभी का लहंगा आया है आज, उसको मैं स्टिच कराने के लिए ले जा रही हूँ, और मेरा भी एक सूट है जो कि मेरे को स्टिच कराने के लिए देना है, और ये वाला सूट मैं पटियाला बनवाने वाली हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने पटियाला टाइप का सूट पहना नहीं है, तो देखते हैं कैसा लगता है अब बनने के बाद, क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम से नहीं बनाया, इच्छा हो गई है तो बनवा ही देती हूँ। और अभी जग्गू भैया को बुलाया पर जग्गू भैया का फ़ोन ही नहीं लग रहा है, तो चुकू को बाहर ही है, चुकू को बोलते हैं चुकू छोड़ देंगे। मार्केट से आई, मार्केट जाके गई थी, इतने में फटाफट से आ गए कस्टमर और फिर भाग के आई, और सारा इधर ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है अभी, और अभी जस्ट हुई हूँ फ्री मार्केट जाके आने के बाद, अभी हो रही है 6:30 और आज शॉप कर देती हूँ जल्दी मंगल, क्योंकि मैं शॉप पे भी थोड़ी थक गई हूँ और पूरी क्लीनिंग वगैरह में भी टाइम हो गया, और घर पे चिकू अभी लेने आ रहे हैं, जैसे ही वो आते हैं इतने मैं यहाँ पर कर देती हूँ क्लीन ताकि जल्दी से मंगल कर पाऊँ। हो गई है क्लीनिंग और अब बस मंगल कर देती हूँ और मंगल करके चलते हैं। ओ चलो लेट्स गो, बहुत कागल बच्चा आशु ना, आशु आए नहीं हो आप मेरे पास, आशु 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 पीपी चले, आशु पीपी चले ले लग, ओ हो चलो घंटी बजे पकड़ लो ले जाओ, चलो अंदर अंदर घर पे चलो गप्पे, आशु भारी है कि हल्का है, आशु अंदर डायो डायो दादी है, चलो दादी को दे दो, मैं कैसे पकड़ू, ओ ओ सूट पावर, ओ सूट पावर, ओ सूट पावर, ओ ओ इनके तैयार हो तुम, ओ ये लाली आज से मैं भी देखी नहीं, बाय बाय ऐसे गई शाजा चाचा, शाजा गई, अब पकड़ा दो यू, ओ मेरे को पाखन मिला, ओ बेटा लाओ दो, ओ भरी है कॉलू शायद भेजना है बेटा, खोलने का नहीं है, बेबी का दीजिएगा बहुत चिल्लाता है, चुप के जा चुप चुप, छील रही हूँ मैं लहसुन और ये दोनों अभी क्यूब जमा रहे हैं, हम दोनों का अच्छा है, अभी मैं चेक करूंगी दोनों में से कौन फास्ट जमाता है, मेरी स्पीड हो गई इससे ज्यादा, अभी ये नव पूरा बिगड़ रहा है क्यूब को, फिर मैं जमा दूंगी, कोई कोई तो चीटिंग करके जमाता है, अब ये मोरवी जमा रही है, टाइम स्टार्ट्स नाउ, 2 सेकंड हो चुके हैं, 3 सेकंड हो चुके हैं, तो
मोरवी ने तो बिगाड़ दे, बिगाड़ दे, मैं क्यों बिगाड़ू, मैं चीटिंग लगेगी। हां सही है। और हां वो पहले भी अपने है ना, जब वो बोला नहीं था सरप्राइज है कुछ है ना, तो हो रहा है ये सरप्राइज आ गया। सरप्राइज आ चुका है जो कि है बैबलेट। लो मैं पकड़ लेती हूं, अपन रख दो। डर गया। 50 सेकंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होने वाला है, हो गया। मोरवी से जल्दी जमा जाए फिर बाद में देखती हूँ। 1 मिनट हो गया न। हाँ चुप रहे, बोल बोल मत कर, इसको जमाने दे। बस 6 मिनट बस टाइम जा रहा है। कितना हुआ? 37 सेकंड्स हो गया। 2 मिनट, 2 मिनट कर दो। अरे हो गया ना, बस हो गया, हो गया। ओ वाओ, यस। कितना 10 सेकंड का ही फर्क है तेरे और मोरवी के बीच में। यस 10 सेकंड जीत गया ना, 10 सेकंड। ये मोरवी थोड़ी प्रैक्टिस और करो और जल्दी जमाना सीख जाओगी। किसने इतना गंदा बिगाड़ा था, मैं बीच में बिगड़ नहीं हूँ। पर इसके भी, इसको भी अपन ने डिस्ट्रैक्ट बहुत किया था बोल बोल के, पर कोई बात नहीं, तो भी बहुत अच्छा है। सुबह से 5 मेरा तूने कट की है इतनी सारी प्याज, मैं तो देखी आज की नहीं काट रहा। खाने की सब तैयारियाँ हो गई है, अब हम जा रहे हैं तीसरी मंजिल, तो आज यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो आने में वगैरह सब लेट हो जाएंगे। अगर यहाँ तक व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।